सो एक ऐसे वेलकम बैक टू मेंट द बिस्किट बॉक्स में फिर से नया बिस्किट का रिव्यू नहीं, ये आप सोच भी नहीं सकते कि ये है आपका ये कैटेगरी में। आप देखे होंगे मेरा पहला वीडियो, पिछला वीडियो, कल का वीडियो किस ठीक है, जिसने मैंने देखा है जाके देख लेना। वो एक्चुअली वो भी एक वेफर ही है ठीक है, पर आज का वीडियो भी वो भी एक वेफर है जो आता है नेस्ले ब्रांड की तरफ से आने ला। फर्स्ट टाइम नेस्ले ब्रांड की तरफ से आने ला किट कैट चॉकलेट फ्लेवर वेफर। ठीक है, तो आते हैं नेस्ले ब्रांड की तरफ से आने ला चॉकलेट फ्लेवर वेफर किट कैट गेस। ठीक है, ये आप सोचोगे अरे ये वेफर, ये आता है प्योरली वेफर कैटेगरी में और बिस्किट कैटेगरी में बोल सकते हैं इसको, इसी के वेफर का कैटेगरी है ये, क्योंकि ये आप क्या इसके आप खाते होगे ये चौक ये, हाँ सब लोग खाए होंगे इसे, किटकैट नहीं किसी ने नहीं खाया होगा। इसी के अंदर आपको कैसे लेयर्स रहते हैं, एक दो तीन लेयर, वो इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे, वो लेयर जैसे आप देखते होंगे वेफर वेफर के वैसे रहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग कोटेड करते हैं चॉकलेट पाइनएप्पल वेनिला स्ट्रॉबेरी, ये है चॉकलेट फ्लेवर। वही गाइस ठीक है, आप समझ आपको ये है वेफर गाइस ठीक है, ये इसका है ना अलग अलग वेराइटीज का आता है, सबसे ये छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, इतना मिनिमम मैक्स से इतना था यस ठीक है। अब इसकी प्राइसिंग तो आपको दिख रहा होगा, 10 रुपीज की प्राइसिंग, यार ये 10 रुपीज की प्राइसिंग है, इतना महंगा, सिर्फ दो ही आपको, ओके तो आपको सिर्फ अंदर इसको दो ही मिलते पीसेस, ओनली टू पीसेस के आपको इसमें ओनली आपको पीस मिलते किट कैट के, इससे वेफर के इसका बोलते हो नेस्ले की तरफ से आने ला चॉकलेट फ्लेवर वेफर, इसका एक्चुअल नाम है, ये लोग उसके लिए किट कैट रखे ना जो इसका चॉकलेट का फ्लेवर है, यार किसने नहीं खाया गया यार, सबको पता है इसका फ्लेवर कितना जबरदस्त रहता है ठीक है। अब प्राइसिंग 10 रुपीज है, अब जल्द इसके मैनुफेक्चर है न्यू दिल्ली मैनुफेक्चर है ठीक है। अब जल्द इसके न्यूट्रिशन कंटेंट और इंग्रेडिएंट अनबॉक्स करने से पहले, आपको मिलता है एनर्जी 438 ग्राम, प्रोटीन मिला आपको इसमें 6.4, कार्बोहाइड्रेट मिला आपको इसमें 49, शुगर मिला आपको 35, शुगर बहुत हाई है ठीक है, टोटल फैट मिलता है आपको इसमें 24, फैट भी ज्यादा है ठीक है। अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट, शुरू होता है रिफाइंड नहीं, शुगर मिल्क सॉलिड हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल्स ओके, हाँ रिफाइंड व्हीट फ्लोर की मैदा, कोका सॉलिड्स, ईस्ट, रेजिन एजेंट्स, आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो ऐड किए गए वो है ये छोटे से लेके वेनिला डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर में वेनिला ठीक है। और ये मेन बिस्किट कंटेंट बनाने का व्हीट मिल्क सेसिमे ऑयल ठीक है, तिल ऑयल ओके, सोए एंड नट्स नट्स आते हैं इसमें, ये कौन से नट्स आते हैं ठीक है। अब इसको खोल के देख लेते हैं अंदर, इसके अंदर से हमारे वेफर और ग्राम वेट बताना भूल गया मैं, इसका ग्राम वेट है तो छोटा है ना 11.9 ग्राम, मतलब 12 ग्राम से ठीक है मान के चले तो उसको खोल के देख रहे थे ठीक है। आपको तो पता है ना किटकैट के अंदर और एक ऐसा रैपिंग आता है ऐसा सिल्वर कलर का एकदम खुलता है, एकदम थोड़ा रैपिंग जैसा आपको मिलता है इसके अंदर, ठीक है। इसका मैंने खोलने का ऐसा तरीका है देखो ऐसे, और ऐसे इधर साइड से चलो खोलो इसको और इधर से इसको खोलो, एक नहीं हम मैं मेरे तरह से करता हूँ ठीक है, मिडल से काट दिया, अब दो टूट गया दो फाड़ दिया
अजीब तरह से फाड़ दिया, ठीक है। टोटल आपको इसमें दो किटकैट के पीस मिलते हैं, वेफर के पीस, उसका नाम तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वेफर के पीस जिसके ऊपर लिखे हुए किट कैट, ठीक है। एक को साइड पे रख लेते हैं, तो एकदम साइज ये किट कैट बहुत छोटा, बोलते एकदम बोलते मिनी साइज बोलते ना, फिर भी बड़ा ही है, बड़ा है, पर 10 रुपीज इतना महंगा है, ठीक है। आप बोलोगे 10 रुपीज क्या महंगा है, वेफर के कैटेगरी से बोल रहा हूँ मैं आपको, वेफर का कैटेगरी आगे इतना पागल रहता है, इतना इतने बिस्किट को मैं 10 रुपीज, 5 रुपीज का, एक 5 रुपीज का, समझ के देखो, सच में सोच के देखो, वेफर के कैटेगरी से सोचे तो चॉकलेट की तरफ से नहीं, वेफर की तरफ से 5 रुपीज का एक, ये बहुत महंगा, ठीक है। अब इसको लेते हैं फर्स्ट मेल, पहले कोल्ड है उसको स्मेल तो ज्यादा आता नहीं है, नींबू जैसा कहीं कह रहा है मुझे ना, मेरे को थोड़ा शायद कोल्ड की वजह से ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। पर चॉकलेट का ज्यादातर इसका ना पूरा वैसे स्मेल है, ठीक है। इनका अलग ही चॉकलेट है, समझना तो बहुत इनका ये खाने में जबरदस्त रहता है, ठीक है। अलग अंदर से आप दिख रहे हैं आपको ये वेफर, ये देखिए आपको लेयर्स दिख रहे हैं वेफर के, नहीं तो आप अब काम करते हैं इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ये अंदर क्या भरे हुए वेफर के लेयर से रहेंगे, ठीक है। ये पूरे लेयर से अब तो समझ जाओ यार, वेफर ही है इसको कैटेगरी, वेफर के कैटेगरी है। और एक अरे अरे इधर से फट चुका है, चाहे आपको दिखेगा नहीं, ये नीच एकदम छोटा सा बॉक्स में पड़ी है, क्या है ये नहीं दिखेगा शायद आप, इसी मैं पढ़ के बता दूं, ये ग्रीन कलर के बॉक्स में उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, प्योर वेज कंटेंट्स वेफर। अब तो समझ जाओ वेफर है यार, एक इस वेफर है, चॉकलेट नहीं है, फ्लेवर चॉकलेट है, ठीक है। ट्रेडिशनल किटकैट का फ्लेवर, अरे अब मैं इसको फ्लेवर कैसे बताऊं मैं, स्वीट है क्योंकि जब इसके बिस्किट खाते हैं ना आपको एक ही फ्लेवर आता है, क्या मस्त चॉकलेट का फ्लेवर है यार करके, सिर्फ इतना ही आपको ऐसा लगता है खाते जाओ एकदम मस्त फ्लेवर है, ठीक है। वैसे एक्चुअली ना वेफर है, इसका चॉकलेट का फ्लेवर है ना सच में बढ़िया, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल्क ऐड कर देते ना, तो चॉकलेट है उसके अंदर तो ज़्यादा मिल्क ऐड कर देते, तो शुगर भी ऐड कर देते ना, उससे जो फ्लेवर बन जाता है ना सच में खाने में जबरदस्त रहता है, ठीक है। अब काम करते हैं, इतना शुगर था मेरा एक्सपेरिमेंट, आप पता है कमेंट कर देना, शुगर था मेरा एक्सपेरिमेंट विद वेफर। इधर से लेते ग्लास में पानी, इधर इसका स्ट्रेंच करते पानी में डल के 5 सेकेंड के लिए, 10 के लिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पानी रुका भी नहीं गया इसके ऊपर, देखे अब खा के देख लेते हैं। प्योरली सेम, आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा क्योंकि ये पानी के अंदर बबल जाते हैं ना, जब ये बिस्किट को भी डुबो तो पानी के अंदर एक नोटिस करना, अंदर से बबल आते हैं, इसमें 0 बबल्स, यानी कि अंदर पानी घुसा ही नहीं, मतलब इसके कुछ फ्लेवर बदला ही नहीं है, ठीक है। बोलते हैं इसको रिकमेंड करता हूँ, नॉर्मली खा सकते हैं सबको इसको एवरी टाइम। अभी जब इसको किटकैट लोगे आप बोलोगे पानी के साथ कौन लेगा, मैं लूंगा, ठीक है, मैं लूंगा पानी के साथ, ठीक है। इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ,
चाय के साथ या फिर कॉफी के साथ, किसी के ना इसका ये इसके साथ रिकमेंड नहीं है, नॉर्मल खाने में अच्छा है। किसी के बिस्किट एकदम जबरदस्त है, प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है। किसी के इसका यही नहीं, ये सबसे छोटा वाला नहीं, उससे थोड़ा और बड़ा वाला आता है, थोड़ा प्रीमियम वाला आता है, उससे और प्रीमियम आता है। इसलिए इवन तो बड़ा सच में बड़ा वाला आते हैं, पर मैं जाते उसको देखा नहीं होगा। इसलिए अभी तक तो खाने में तो अच्छा है, सच में फ्लेवर अच्छा, नेक्स्ट आते रहेंगे देखते रहना। इसलिए अब मैं टेस्ट एकदम नेस्ले ब्रांड की तरफ से अल्लाह किट कैट चॉकलेट फ्लेवर वेफर। इसलिए अब बोलते हैं इसको जाए नजदीक शर्मन में लेकर आइए, जिसने टेस्ट कर दिया एक वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब हम बोलते हैं इसको स्कूल जाए, बच्चों को बोल सकते हैं छोटा वाला पैकेट ना पूरा दे सकते हैं, या फिर एक उसका मीडियम वाला आता है, थोड़ा थोड़ा लंबा वाला बड़ा वाला रहता है, वो आप दे सकते हैं। क्योंकि मिनिमम मैं इस वीडियो का तो बोल रहा हूँ ना, जो आज के हम बनाए इस वीडियो का, इसका बोल सकते इसको पूरा दे सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स से मार सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि सारे फ्रेंड्स ले लेंगे। ठीक है, उसका सच में फ्लेवर सच में खाने में बढ़िया है। ठीक है, अब बोलते हैं जो बनाए बिस्किट करी हो वेफर करी हो, आज का मॉर्निंग शो पर्टिकुलर यूट्यूब पे देख जाना, एवरी डे होता है। ठीक है, अब सो थैंक फॉर द वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्क्यूट बॉक्स।